आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा, विचारों की अंतहीन श्रृंखला। श्रोताओं नमस्कार, सहकार रेडियो पर आज विचारों के सफर में आपकी हमराही मैं निहारिका। श्रोताओं, वैसे तो जिंदगी और मौत के मानी बहुत ही साफ है, लेकिन जरा सोचिए, मनुष्य समाज का एक अहम हिस्सा, एक अहम कड़ी होने के नाते क्या हमारे लिए जिंदा होने के वही मायने हैं जो किसी पशु या अन्य जीव के होते हैं? या हमने, यानी इंसानों ने अपने लिए जिंदा होने के लिए कुछ अलग पैमाने बनाए हैं? आज हम विचार यात्रा में उन्हीं पैमानों की बात करेंगे, कवि उदय प्रकाश की एक बहुत चर्चित कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है मरना। सुनिए ये कविता। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। तो श्रोताओं, हमें आशा है इस कविता ने आपको झकझोरा होगा और आप अपने भीतर अपने जिंदा होने के निशान तलाश रहे होंगे। हमें पूरी आशा है कि आपको वो निशान जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर ढूंढने से भी ना मिले तो कोई बात नहीं, आज से ही एक नई शुरुआत करें। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर तरह के अन्याय, अत्याचार और अधिकारों के दमन के खिलाफ सोचिए और इतनी जोर से बोलिए कि मानवता के दुश्मनों की रूह कांप जाए। तो विचारों की इस यात्रा में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और विचारों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे, यानी अपनी दोस्त निहारिका को। नमस्कार। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा। हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज जरूर लाइक करें, और अगर आप सहकार रेडियो के कार्यक्रम सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9617226783 पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम, जिला और प्रदेश लिखकर भेजें। तो सुनते रहिए सहकार रेडियो।